नेक्स्ट लास्ट में डिस्कस फॉर लूप। लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था, है ना, कि उसकी कैसे वैल्यू को सेट करते हो, कैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है। लेकिन इसमें एक फंक्शन होता है रेंज फंक्शन। फॉर लूप में क्या होता है, एक रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन हमारा क्या करता है कि हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमने कहा रन टाइम पे वैल्यू को रन टाइम वैल्यू सेट करवाई है, तो उस टाइम हमको कंडीशन पता नहीं रहेगी कि इसमें एक्चुअल में लास्ट कंडीशन क्या, लास्ट वैल्यू क्या रहेगी। तो उसके लिए यूज करते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली बाय टाइप वैल्यू को सेट कर लेता है, है ना, और कंडीशन को सेट कर लेता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना, 4x इन रेंज, है ना, 2, 6, मतलब 2 to 6। अब इसमें क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट इसके लिए मैंने यहां पे 2 लिखा है, तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू नहीं दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। एक चीज और इसमें होती है, इसका जो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है, वो भी 1 होता है। मैंने यहाँ पे लिखा पूरा प्रिंट एक्स, ठीक है ना, प्रिंट एक्स। अब इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 2, 3, 4, 5, क्योंकि जो रेंज फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है ना, लेस देन और ग्रेटर देन। अब इसमें एक कंडीशन होती है लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन रेंज फंक्शन हमारा इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, सिर्फ इसको या इसको फॉलो करता है। अगर हम डिक्रीमेंट के या इंक्रीमेंट के लिए जो भी यूज कर रहे हैं वैल्यू को, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर रहे हैं, तो लेस देन और ग्रेटर देन। अब इसमें ये 6 को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि जब लास्ट में हमारा लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो कैसे होगा, x इन रेंज 2 प्रिंट 2 लेस देन 6, 2 लेस देन 6 कंडीशन 2 प्रिंट x प्रिंट हो गया। अपने आप ऑटोमेटिकली ये बन से इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि हमने कोई इंक्रीमेंट के लिए इसमें कोई मेंशन किया ही नहीं, तो बन से इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इन 6, मतलब 3 लेस देन 6 कंडीशन 2 प्रिंट 3 हो जाएगा, ऐसे 4 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे 5 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन 6 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रिंट x, x प्रिंट नहीं होगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इस पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लूप कहाँ चला जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा रेंज फंक्शन। अगर मैं इसमें अगर चाहता हूँ कि मैं इसकी रेंज जो इंक्रीमेंट है उसको स्पेसिफाई करूँ, खुद से उसमें मेंशन करूँ हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू अपडेट हो, तो मैंने लिखा 4x इन रेंज, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 2, 16 और 3। तो ये 2 यहाँ पे क्या है, 2 पे तो ये इनिशियल वैल्यू है, यहाँ से स्टार्ट करेगा। 16 हमारा क्या है, लास्ट वैल्यू है, यहाँ तक लूप एग्जीक्यूट होगा। 3 का मीनिंग क्या है, 3 का मीनिंग ये है कि अब इसमें जो अपडेशन होंगे वो कैसे होंगे, 3 टाइम्स होंगे। मैंने कहा प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स, अब इसमें अपडेशन कैसे होंगे, 3 होंगे, +3 + 3 होंगे। तो ये करेगा एक्स इन रेंज 2 प्रिंट x, तो 2 की x की वैल्यू क्या है, 2 प्रिंट हो जाएगा। तो कंडीशन चेक करेगा ये 2 लेस देन इक्वल्स टू 16, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रिंट x, x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, ये कोमा 3 है, अब इसमें अपडेशन होगा, x की वैल्यू इनिशियल क्या थी, 2 थी, +3, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना, सॉरी 5 हो गई, x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अब ये चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 16, कंडीशन 2 प्रिंट x, x की वैल्यू प्रिंट कर देगा 5, फिर ये अपडेशन करेगा, x की वैल्यू कितनी है, 5 5 प्लस 3, अब x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, चेक करेगा 8 लेस देन इक्वल्स टू 16, कंडीशन ट्रू प्रिंट x, x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 8, फिर ये अपडेशन करेगा 3 से +3,
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल्स टू 16, कंडीशन ट्रू, प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर इसमें अपडेशन करेगा प्लस 3, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, 14 लेस देन इक्वल्स टू 16, कंडीशन ट्रू, प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू 14 प्रिंट हो गई। ओके अब इसमें प्लस 3 तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17, 17 लेस देन इक्वल्स टू 16, कंडीशन फॉल्स और लूप टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन में क्या होता है कि हमें इनिशियल वैल्यू जहां से मेंशन करना चाहिए, मैं चाहता हूं यहां पर से स्टार्ट हो, तो फॉर एक्स इन रेंज, एक्स का वेरिएबल का नेम है, नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल एक्स यहाँ पे वेरिएबल का नेम है, ठीक है ना। इन यानी एक कीवर्ड है जो ये मैच करवाता है कि ये इसकी वैल्यू इसके बीच में रेंज में मैच वेरीफाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना। रेंज फंक्शन है 226। अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू यहाँ से वन से स्टार्ट हो तो 1, 7। अब प्रिंट एक्स, अब वैल्यू कहाँ से प्रिंट स्टार्ट होना होगी, 1 से। यहाँ पर अगर हम 4 इंक्रीमेंट कर दिया तो 1 + 4 नेक्स्ट 5 हो जाएगी, है ना। 5 + 4 तो कंडीशन नेक्स्ट टाइम फॉल्स हो जाएगी। तो रेंज फंक्शन हमारा क्या करता है कि हमें वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमारा यूज करते हैं। अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू दे दें इधर से, ओके ये तो सब क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट हो रही है, हम चाहते हैं भाई यूजिंग द रेंज फंक्शन की कैन प्रिंट अ वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कुछ नहीं करना है, फोर एक्स इन रेंज 2, 16, -1, है ना। माइनस वन क्या करेगा हमारा, ये सेम पेपर की प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होने लगा, प्रिंट एक्स, ठीक है ना। चेक करेगा फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 16, फिर -2, है ना, 16 माइनस 14, 14 लेस देन, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा 16, 14, 12, 10, 9 इस टाइप से वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। ओके okay?